Our top focus, a day after the farmers began their march to Delhi. Borders surrounding Delhi witnessed heavy turmoil and clash between the police and the farmers. Now, this even as the farmers had alleged that their march to Delhi would be completely peaceful, calling out the government for cracking down on the marching farmers. जब हमने कल दिल्ली कूच का निर्णय किया था तो हमें लगता हमने पहले ऐलान किया था कि हमारा आंदोलन बिल्कुल पीसफुली रहेगा, पूरा अमन रहेगा। तो हमने सभी युवाओं को, किसान मजदूर को रोककर और खुद लीडर्स थे उनको आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तो उसके बाद वार्ता शुरू हुई, वार्ता से केंद्र सरकार भाग निकली, तभी हमें खिनौरी से अशुभ समाचार मिलने शुरू हो गए। जैसे शुभकरण सिंह हैं, वो उनकी उम्र 23 साल है, अल्लू उनका गांव है, उनके सर पे ऊपर गोली लगी है, तो और तीन और गंभीर जख्मी थे। तो इस तरह की फिर सिचुएशन में वार्ता जारी रखना मुझे नहीं लगता था कि हम सफल हो पाएंगे। पुलिस जा रहे थे, हमारे ऊपर भी थोड़े किसान लीडर थे, हमारे ऊपर भी जबरदस्त शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियाँ चलाई गई, फिर हम आगे गए, फिर ऐसा ही किया गया। तो सरकार पीसफुली पुरामन ढंग से, जैसे हम ऐसे नंगे हाथों से आगे बढ़ते, तब भी बढ़ने नहीं दे रही है। Amid the tensions, farmers have put a two-day halt on their march, with the Chief Minister of Punjab vowing strict action on the death of a protesting farmer. Now, the police and farmers have both alleged of casualties and injuries of their side, blaming each other of escalating tensions. ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੋ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ। इस मामले च पंजाब सरकार बिल्कुल किसानों के नाल खड़ी है। कई अफवाह फैलाईया जा रही ने सेंटर वाले वालों, राष्ट्रपति राज ला देंगे, धमकिया टाइप गल्लां कीतियां जा रही ने, राष्ट्रपति राज ला देंगे, एक बारी नहीं जी 100 बारी राष्ट्रपति राज ला दो, मैं 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूंगा और इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च दो दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है उस पर, जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है उस पर किसानों से वो विचार हुआ है। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाती है, वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों के खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है सारा, वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उसका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ हो गया। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसमें अच्छी प्रगति हो रही, और उसमें लोग जुड़े हुए हैं,
तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है। Alright, we just heard the Agriculture Minister Arjun Munda react as far as the entire situation is concerned and what he really thinks essentially of what's transpiring at the moment. But let's also listen in to an official police reaction that came in earlier over this incident. हमारी ड्यूटी थी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर, जो किसानों ने हमारे को चोट मारी है। कैसे चोट मारी? मरो पत्थर वगैरह मारे हैं, डंडे वगैरह धुआं कर दिया था, पराली जला के नीचे डाली है, फिर मिर्ची भी। पुलिसकर्मी थे जिनको चोट लगी है? 15-20 पुलिसकर्मी है, जो कुछ तो यहाँ एडमिट है, कुछ तो उनको कुछ थोड़ी चोटें थी, वो अपनी दवाई वगैरह लेके चले। जब किसानों ने आंदोलन की ठानी और जब वो दिल्ली कूच करने की बात कर रहे थे, तभी सरकार की तरफ से ये बात सामने, उन्होंने किसानों के सामने रख दी थी कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। उसके बाद देखिए, लगातार बातचीत का दौर जारी रहा। तीन से चार बैठकें अब तक हो चुकी है। चौथी बैठक जब हुई तब सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा। अब उस प्रस्ताव को किसान संगठन ने खारिज कर दिया, और खारिज करने के बाद अब सरकार ने एक और बार फिर से बैठक बुलाई है, क्योंकि किसानों ने यह आह्वान कर दिया था कि अब वो किसी के नहीं सुनने वाले हैं। दिल्ली चलो आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये कहना था कि एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए, एक बार फिर से मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे एक किसान की मृत्यु हुई, उसके बाद वहाँ के किसानों का कहना है, किसान संगठनों का कहना है कि जब पुलिस और किसानों के बीच, हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच मुठभेड़ हुई, उसी में यह किसान मारा गया। तो वही दूसरी ओर हम देखें हरियाणा पुलिस का बयान आता है कि हरियाणा पुलिस की इस तरह की ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। लगातार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनका लगातार ये कहना पड़ रहा है कि हालांकि एक कमेटी सरकार द्वारा पिछली बार बनाई गई थी, लेकिन उस कमेटी ने कुछ एक्शन नहीं लिया, और इसी के कारण किसान नाराज है और एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन के लिए, दिल्ली कूच के लिए यहाँ पर उतर आए हैं। और अब उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए, इस पूरे मामले में जवाब देना चाहिए, इस पूरे मामले में उनका साथ देना चाहिए, इसका समाधान होगा। उन्होंने दिल्ली मार्च 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया और कहा है कि आपका जो वार्ता का प्रस्ताव है, उस पर जो नेताओं ने कहा है कि वो आपका वार्ता का जो प्रस्ताव है, उस पर किसानों से वो विचार विमर्श। बिल्कुल, देखिए मैं तो कहूँगा कि हमारे जो कई राउंड की बातचीत में बहुत सार्थक भी चर्चा हुई है कई मायने में, लेकिन कुछ में सहमति पर और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोनों तरफ से, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए और काम कर रही है। आज 2,80,000 करोड़ किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से पहुंचाई जाती है। वो इस दृष्टि से कि किसान का सम्मान और किसान की आवश्यकता और किसानों के माध्यम से जो देश का अन्न भंडारण है वो बढ़े, और वो बढ़ भी रहा है। कई वर्षों के आंकड़े को अगर देखेंगे आप नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तो पहले के तुलना में इस शासन में 333 मिलियन टन तक हमारा अनाज बढ़ा है। उसी तरीके से हमारे सब्जियों के खेती में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा, यानी सभी सेक्टर में। अभी मैं बात कर रहा था खादी में, खादी भी तो किसानों से जुड़े हुए ही उत्पाद है, सारा वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन मतलब उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उसका टर्नओवर 1,35,000 करोड़ हो गया। उसी तरीके से कई जो कृषि सेक्टर से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है, उसमें अच्छी प्रगति हो रही और उसमें लोग जुड़े हुए हैं,
तो सबों के इस एफर्ट्स को, सबों के इस प्रयास को जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक नया आधार मिला है।